नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पिछले 5 महीनों से सियासी लड़ाई का केंद्र बने प्रधानमंत्री केयर फंड पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया है। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने वालों को कैसे मिला करारा जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम केयर्स, पिछले 5 महीनों में ये नाम आपने बार बार सुना होगा। सियासत के न जाने कितने इस पर तीर चले और टारगेट पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले भी ट्विटर पर जो लिखा वो मोदी पर डायरेक्ट हमला था। पीएम केयर्स फॉर राइट टू इम्प्रोबिटी, यानी बेईमानी का अधिकार। एक एनजीओ भी सामने आया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। डिमांड ये थी कि पीएम केयर्स में जमा रकम एनडीआरएफ के खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत का जो फैसला आया है उसे महज 4 लाइनों में समझिए। कोर्ट ने पीएम केयर्स से फंड ट्रांसफर करने वाली पिटीशन खारिज कर दी है और एनडीआरएफ में पैसा ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दिया है। अदालत ने 2 टुक कहा कि पीएम केयर्स का पैसा एनडीआरएफ फंड में जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार जरूरत के हिसाब से फंड खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला क्या आया? बीजेपी ने कांग्रेस से नया पुराना सब हिसाब चुकता करना शुरू कर दिया। पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने ट्विटर पर लिखा, गांधी परिवार ने पीएम रिलीफ फंड को दशकों तक अपनी जागीर बनाकर रखा और जनता के पसीने की कमाई को अपने परिवार के ट्रस्ट में ट्रांसफर करते रहे। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ मुहिम चलाकर कांग्रेस अपने पाप धोने की कोशिश कर रही है। नड्डा ने जो आगाज किया उसे अंजाम तक पहुंचाया कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और गांधी परिवार को खरी खोटी सुनाने का एक और दौर शुरू हो गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहां पब्लिक ट्रस्ट बना है, रजिस्टर्ड हुआ है, कौन कौन ट्रस्टी ये भी पता है, बाकायदे ऑडिट होगा और देश को बताया जाएगा, सब कुछ वेबसाइट पर है। यहां यह नहीं होता है कि बजट में राजीव गांधी फंड को फाउंडेशन के लिए 100 करोड़ और बाकी एनडीआरएफ के फंड से फाउंडेशन को, ऐसा नहीं होता। जिस पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच तलवारें खींच गई थी वो 28 मार्च को अस्तित्व में आया था। फंड में जमा जिस रकम को लेकर सियासत गर्म है उसका पाई पाई का हिसाब भी सरकार ने सामने रख दिया है। पीएम केयर्स में अब तक 3,076,62,00,000 का फंड आ चुका है, जिसमें 39,68,000 रुपए विदेशी करेंसी के तौर पर मिले। इनमें से वेंटिलेटर बनाने में 2,000 करोड़ रुपए लगाए गए। 2,000 करोड़ में 50,000 वेंटिलेटर बने और अस्पतालों में बांटे गए। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए आज का ओ माय गॉड।